छत्तीसगढ़ी भाषा में भोरा का पाठ पढ़ाएंगे। वो नींव और भाषा पिटारा कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। आपको बता दें कि भोरा चलाने की गतिविधि के साथ रोचक तरीके से आदर्श पाठ पढ़ाने के गुर सिखाए जाएंगे और इसके साथ ही सीएम अटल टिंकरिंग लैब और सोया मिल्क वितरण योजना की शुरुआत भी करेंगे। और इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत के लिए हेमंत शर्मा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेमंत, जिस तरह हम बात करते हैं कि जो एक बड़ी सेलिब्रिटी यानी कि छत्तीसगढ़ की सेलिब्रिटी के तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और वो बच्चों के बीच जाएंगे और बच्चों को भोरा नाम का पाठ पढ़ाएंगे और एक अलग ही माहौल स्कूलों में देखने को मिलेगा, तो क्या कुछ तैयारियां स्कूलों में की गई है? देखिए शरद, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जो संजीदगी है वो समय समय पर दिखती रहती है। हमने पहले भी देखा है कि वो बच्चों के बीच जाकर भोरा वो चलाते हैं, बच्चों के बीच जाकर वो खेल खेलते हैं। तो तमाम चीजें हैं जो भूपेश बघेल को बड़ा बनाती है और आज एक तरीके से छत्तीसगढ़ी भाषा में जो भोरा नामक पाठ है वो आज पाठ जो बच्चे हैं स्कूली बच्चे उनको आज वो पढ़ाएंगे। करीब 11:30 बजे के आसपास मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर से रवाना होकर 12 बजे वैशाली नगर पहुंचेंगे और वहां पर न्यू और भाषा पिटारा जो योजना है उसकी शुरुआत करेंगे। इसके अलावा जो सोया पौष्टिक है वो भी वितरण का शुभारंभ वहां पर होगा क्योंकि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे अभी शुभारंभ किया गया है। कल जो स्कूल शिक्षा मंत्री थे उन्होंने भी पेंड्रा में इसका शुभारंभ किया है। तो लगातार ये कोशिश है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि किसी भी तरीके से जो कुपोषण है बच्चों में उसको मिटाया जाए। आज इसके अलावा जो आदर्श शिक्षा है उसको भी बच्चों उसके महत्व को बच्चों को बताते नजर आएंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। तो पूरा जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर चलता दिखाई देगा और एक तरीके से आज शिक्षक की भूमिका में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नजर आने वाले हैं और उनके साथ तमाम जो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, वो भी मौजूद रहेंगे। शरद, तो है ना, हम जानना चाहेंगे जिस तरह हम बात करें तो जिस तरह योजना है, हम बात करें भाषा पिटारा की बात करें या फिर भोरा पाठ जो पढ़ाएंगे उसकी बात करें, तो क्या ये वैशाली नगर का जो स्कूल है वहीं पर ये होगा या फिर पूरे प्रदेश भर में इस तरह का आयोजन किया गया है या फिर जो वहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि हैं उनको भी मौका मिलेगा कि वो भी स्कूल जाए पढ़ाए, ये किस तरह का एक फॉर्मेट तैयार किया है सरकार ने? देखिए शरद, अभी इसे सिर्फ जो भिलाई है और भिलाई के वैशाली नगर है उसी स्कूल में इसका शुभारंभ किया जा रहा है। उसके बाद प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जाकर खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस योजना का शुभारंभ करेंगे और एक तरीके से आज का यह कार्यक्रम करीब 12 बजे चालू होगा। तो प्रदेश भर में अब इसकी शुरुआत धीरे धीरे से होने लगेगी लेकिन आज जो कार्यक्रम है वो भिलाई के वैशाली नगर में है। तो आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस योजना का शुभारंभ करने के साथ साथ शिक्षक की भूमिका भी नजर आएंगे और बच्चों को जो भाषा का ज्ञान है वो भी सिखाते नजर आएंगे। शरद, चलिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत। यानी कि आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज एक टीचर की भूमिका में होंगे और वो वैशाली नगर स्कूल में बच्चों को छत्तीसगढ़ी में भोरा नामक पाठ पढ़ाएंगे और बच्चों के साथ भोरा चलाने की गतिविधियां और उसका ज्यादा देर तक टिक पाता है ये सब करते हुए भाषा और गणित के साथ कैसे पाठ पढ़ाते हैं ये बताएंगे। यूपी की सियासत और सत्ता पक्ष और